तो हम तो संविधान वाले हैं, और इस संविधान के युग में मनुवाद का या मनुतंत्र का कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर कोई कहता है कि हम मनुवाद या मनुस्मृति से शासन चलाएंगे, तो मैं बता दूं कि बाबा साहब के बच्चे इतने कमजोर नहीं हैं कि जो वो मनुस्मृति को लागू होने देंगे। देश तो संविधान से ही चलेगा, ना चलता है गीता से और ना ही चलता है कुरान से, चलता है देश हमारा भारत के संविधान से। और जिनकी औकात नहीं है फटे नोट बदलने की, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। तो संविधान को इनके बाप की बपोती नहीं है जिसे ये आएंगे और बदल देंगे। संविधान को बचाने वाले और चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो संविधान के नाम पर लड़ने को और अपनी जान देने के लिए तैयार है। ज्यादा नुकसान संविधान का कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है, आप बहुजन समाज से आते हैं। देखिए, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। संविधान आरक्षण, महिलाओं के प्रति विरोध के जितने भी कानून कांग्रेस ने बनाए वो भाजपा ने आगे बढ़ाए हैं। एक काला नाग है, एक हरा नाग है, और ये दोनों सरकार जो है महिला विरोधी, आरक्षण विरोधी, शूद्र विरोधी, एससी विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी और अनुसूचित जाति के विरोध में काम करती है। क्या कहना चाहेंगे 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई और प्रतिमा लगाई गई है, किसको श्रेय देना चाहेंगे, और जो सरकारें थी अभी तक क्यों सो रही थी वो भी बताएं। देखिए, इसे भारत का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि आज़ादी के 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगी। ये सपना ही था। अब ये देखिए कि आज़ादी के 75 साल बाद ये लोग जागे, और सवाल यह है कि क्या हम इसको कैसे सेलिब्रेशन करें, क्या मूर्ति पूजा रियल अम्बेडकर राइट है। अब लोगों ने आज ये देखिए कि कॉन्फिडेंशियल इतना प्रोग्राम था कि जिस राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस राष्ट्रपति को नई पार्लियामेंट में नहीं घुसने दिया, उस पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का आज अनावरण किया। 26 नवंबर 1949 जो जाना जाएगा इतिहास में, अब इसलिए जाना जाएगा कि पहली बार वो लॉ डे बना, कॉन्स्टिट्यूशन डे बना, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी। अब आप कहें कि नहीं नहीं संविधान दिवस तो पहले ही बनता था, आपने कहा कि क्या विफल रहे, और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। इसका श्रेय भारत के हर उस अंबेडकर राइट को देना चाहेंगे जिस अंबेडकर राइट को ये चैलेंज करते थे कि बाबा साहब की स्टैचू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। अब आप ये देखिए कि न केवल वहाँ पर स्टैचू लगी, बल्कि उस प्रोग्राम में भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने भी शिरकत की, और महामहिम राष्ट्रपति जो कि अनुसूचित जनजाति समाज की वो महिलाएं जिन्हें नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। राजस्थान हाई कोर्ट में जो मनु की मूर्ति लगी हुई है वो भारत के न्याय तंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, क्योंकि जो संविधान है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया है, और न केवल संविधान बनाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी कानून है उनकी जो कहीं ना कहीं रूट है वो संविधान से जुड़ी हुई है। अब ये सवाल उठता है कि आपने कहा राजस्थान में जो मनु की मूर्ति लगी हुई है, देखिए अगर मनुवाद के हिसाब से चलोगे तो आपको हर ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो और मनु के हिसाब से चलोगे तो मनुष्य के हिसाब से तो जो निचली इनके हिसाब से जो अवर्ण जातियां हैं उनको भारत में जीने का, रहने का या कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और रही बात मूर्ति लगाने की, तो अभी कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये कहा था कि यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगेगी, तो उन्होंने तो वहाँ कहा था, और आज जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग चुका है। देखिए, भारत या तो संविधान से चलेगा या मनुवाद से चलेगा। आपके पास में प्यार करने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। देखिए, जहाँ तक बहुजन लोगों की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के लोगों को मानने की जो आपने सवाल पूछा है, तो मैं बता दूं कि वो मनुस्मृति से पहले संविधान को पढ़ते हैं। दूसरी बात, जो कोई भी किताब जो महिलाओं को अधिकार ना दे, शूद्रों को अधिकार ना दे, अछूतों को अधिकार ना दे, ऐसी किसी भी इस प्रकार की कोई भी किताब पूरी दुनिया में नहीं है जिसके अंदर अत्याचार करने के तरीके बताए गए हों। कि आप ये देखिए कि अगर कोई शूद्र या कोई शूद्र अगर श्लोक सुन ले तो उसके कानों में तेल डाल दिया जाना चाहिए, उसकी जवान काट देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अत्याचार करने के जो तरीके हैं वो मनुस्मृति में है। लेकिन संविधान, भारत का संविधान न केवल महिला पुरुष को अधिकार देता है, बल्कि भारत का जो संविधान है वो पेड़ पौधे पक्षियों जानवरों को भी पूर्ण अधिकार देता है। 2018 में इसी जगह पर संविधान की कॉपी जलाई गई थी 5 साल पहले।
देखिए, 5 साल पहले अगर कॉपी जलाई गई थी तो उस पर FIR भी दर्ज हुई है, उस पर मुकदमा भी चल रहा है। और संविधान की कॉपी जलाने वाले अगर ये सोचते हैं कि हम दोबारा जला देंगे, तो ये बात मानिए कि जो वो अपराध कर रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये सरकार और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सक्षम है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पूर्ण तरह से लागू ही नहीं हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, ये बात सही है कि संविधान के जो आरक्षण के जो प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन के जो प्रावधान है, वो पूर्ण रूप से अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। क्योंकि संविधान के अंदर राजनीतिक आरक्षण और सामाजिक और आर्थिक आरक्षण की बात हुई है, तो सामाजिक आर्थिक आरक्षण जो है अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, कुछ प्रावधान है जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वीमेन रिजर्वेशन की बात है और रिप्रेजेंटेशन की बात है, कॉलिजियम सिस्टम को हटाने की बात है, प्रमोशन रिजर्वेशन की बात है, इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब की बात है, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो लागू नहीं हुआ। परंतु यह पूर्णतः गलत है कि भारत के अंदर संविधान जो है वो लागू नहीं हुआ है। लोग कहते हैं खतरा है संविधान को या खत्म करेंगे, ऐसे कौन लोग जो संविधान पे जो अपना कुठाराघात कर रहे हैं? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। और इनकी तो जो बात बात पे हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो बात बात पे जातिवाद की बात करते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही संसद में पहुंचा हूं और प्रधानमंत्री बनाऊं। देखिए, मोदी जी के कहने से कोई संविधान में बदलाव नहीं आ जाएगा। भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्री बने, वो सभी संविधान की बदौलत बने हैं। कोई इसमें कोई उन्होंने बहुत नई बड़ी बात नहीं की है। संविधान बदला जाएगा, जैसे कि विवेक देवराव ने कह दिया था 15 अगस्त को। संविधान तो इनका बाप भी नहीं बदल सकता। संविधान बदलने की जहाँ तक बात है, संविधान कोई इनकी कोई पर्सनल बपोती नहीं है कि ये बदल देंगे। अभी बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, संविधान तो बदलने की बहुत दूर की बात है, उस पर उंगली लगा के देख लें। ये बात सही है कि संविधान को ये लोग जो है मैनिपुलेट करना चाहते हैं, परंतु पार्लियामेंट के अंदर अभी भी वंचित तबके का प्रतिनिधित्व है, जिसके कारण वो बदलना अभी तक तो असंभव है। कुछ षड्यंत्र तो नहीं है कि बहुजनों को टेस्ट कर रहे हो कि संविधान बदल के देख लेते हैं एक बार? देखिए बिल्कुल, ये बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, जो वंचित तबका है, उसके पास आज रोजी रोटी ही बामुश्किल मिली है, तो संविधान की बात कहाँ से करेगा। तो ये जो लोग हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जागे हुए हैं या सोए हुए हैं, जैसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2 अप्रैल 2018 के अंदर किया था और वह एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ। लेकिन यदि संविधान के बदलने की ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं संविधान बचाने के लिए, चंदे भी उघा रहे हैं वो। देखिए, जितने नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम। सबसे ज़्यादा सांप हम इन्हें पाले हैं, ये समाज के वो सांप हैं, वो नाग हैं, जो बहुजन समाज की एक पार्टी को वोट तो नहीं देंगे, परंतु अपनी रथ यात्रा, कुत्ता यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमकाना यात्रा निकाल लेंगे, परंतु अपनी सरकार बनाने के लिए और बहुजन समाज की सबसे बड़ी लीडर को प्रधानमंत्री बनाने से रोकने के लिए ये सारे प्रपंच और नाटक करते रहेंगे ये लोग। संविधान से पूरा देश चलता है, पूरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं देश में, लेकिन संविधान बचाने की जब बात आती है, सिर्फ बहुजन लोग, दलित लोग ही आते हैं, सवर्ण लोग क्यों नहीं आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है इन्हें कि ये बहुजन समाज के लोग जो हैं तार्किक बातें करने लगे हैं, अपने अधिकार मांगने लगे हैं। और हमें पता है कि अगर संविधान ना हो तो मनीष भट्टी के हिसाब से ये हमारा जो है अस्तित्व तक खत्म कर सकते हैं। तो इन लोगों को बड़ी जलन होती है जब बहुजन समाज के लोग जो है संविधान को बचाने की बात करते हैं। 24 में पनौती जीतेगा या पप्पू जीतेगा? देखो, पप्पू और पनौती में से हमें, मुझे नहीं पता, चाहे जीते कोई भी, हमें सरकार बहुजन की बनानी है, चाहे 2400, 2900, 2300, हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ इस मिशन में लगे हुए हैं कि पप्पू और पनौती से अलावा बहुजन समाज की एक लीडर को हमें प्रधानमंत्री बनाना है।